हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे मावा वाली बेसन की चक्की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें हमने एक कप बेसन डाल दिया है और इसे अच्छे से भूनेंगे। इसे लगभग 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। बेसन हमारा पक चुका है। अब यहाँ पे 3/4 कप घी डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिला के अच्छे से पकाएंगे। अब यहाँ पर 1 कप हमने दूध लिया है, इसे भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। दूध अच्छे से मिला लिया है। अब यहाँ पर हम 1/2 कटोरी चीनी लेंगे और इसे भी डाल देंगे। चीनी को अच्छे से घुलने तक हिलाएंगे। चीनी भी घुल गई है। अब यहाँ पर हम 2 चम्मच मावा लेंगे। ये होममेड मावा है, इसे भी डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर हमने काजू और बादाम की कतरन ली है, इसको भी इसमें डाल देंगे और मिला लेंगे। यहाँ पर हमने 1 चम्मच इलायची का पाउडर लिया है, इसे भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब ये सब अच्छे से मिल चुका है। अब हम एक थाली लेंगे, इसमें हम घी लगा देंगे। इसे चारों तरफ से घी लगा लेंगे। अब इस बैटर को हम थाली में डाल देंगे
और चम्मच से अच्छे से सेट कर लेंगे। चारों तरफ से इसे सेट कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से सेट हो गया है। और अब इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, काजू, बादाम, पिस्ता। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। इसे अच्छे से दबा लेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चांदी का वर्क चिपका लेंगे। अब इसे 3 या 4 घंटे तक सेट होने के लिए रख देंगे। अब ये अच्छे से सेट हो गई है, तो इसे चाकू से हम काट लेंगे। हमने इसे काट लिया है और ये देखिए, दिखने में कितनी अच्छी लग रही हैं और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो आप भी इसे एक बार बना के ज़रूर देखिए। ये देखिए, बहुत ही दानेदार मिठाई तैयार हो चुकी है।